अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए मैंने दिया खुद को एक न्यू लुक और मेरी फेवरेट साड़ी, और जिसे मैंने आज पहना तो मुझे बड़ा दिल चाहा कि मैं आज ये साड़ी पहनूं। मुझे इस तरह की साड़ी बहुत पसंद है और मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई थी और मैंने ये साड़ी भी वहीं से ली थी, ठीक है ना। तो इस साड़ी को भी मैंने वहीं से लिया था, तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं व्यूअर्स को दिखाऊँ कि मैंने जस्ट टुडे दिखाया और मैंने वहाँ से कुछ परचेज नहीं किया। तो मैंने वहाँ से साड़ीज खरीदी थी, एक ये थी, एक दूसरी भी थी और एक कुछ और भी था, तो वो मैंने बहुत टाइम पहले उनसे परचेज की थी। तो मैंने कहा फिर मैं आपको दिखाऊंगी उन्हें कि आप लोग भी वहाँ जाएं, बहुत रिजनेबल प्राइस हैं और आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं, हर तरह की है। मुझे इस तरह की सादी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैं इस तरह की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ और पार्टी वेयर भी पहनती हूँ। और यह है कि मुझे इस तरह की अच्छी लगती हैं, आप नॉर्मल ओकेजन में भी पहनकर जा सकते हैं। और मैं इसे बेल्ट वगैरह नहीं बनवाती, मैं खुद प्लेट्स वगैरह डालकर ही ये साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। तो देखिए ये मैंने आज अपने रिंग्स भी पहनी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये मेरे झुमके बाले और कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आज मैंने बोला कि क्यों ना व्यूअर्स से ये सब कुछ शेयर किया जाए। और मैं जो हूँ लाजी बात है आपको चेंज भी करके दिखाऊंगी, जरूरी मैं ऐसी में रहूँगी। बस आज दिल चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ इस तरह से, ठीक है ना। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे जब चेंज करूँ जी। तो आपने देखा कि मैंने लुक दिया साड़ी का और मुझे अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कोई इतना अच्छा मेकअप करने वाली नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी आता है बाकॉल मेरे कि डेंट इन पेंटिंग जैसे भी करनी आती तो कर लेती हूँ। हाँ ये है कि लिपस्टिक के शेड्स वगैरह जो है मुझे बहुत अच्छे से आते हैं बनाना, तो जो मेरे फेवरेट होते हैं मैं वो बना लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, अच्छा लगा। यानी अभी जो है मुझे, मैं मुँह धोऊंगी, मुँह वगैरह धो के फिर मैं आपसे मिलूंगी पुरानी वाली होकर, ठीक है, फिर आपसे बातें करूंगी। और बस मरियम भी ये कहती कहती अच्छा लग रहा है अम्मी। और साड़ी मैंने काफ़ी टाइम पहले ये परचेज की थी, तो मैंने रख दी थी और मैं रख कर भूल चुकी थी कि मैंने कहाँ रखी है, मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अपनी साड़ी निकाल के और देखते हैं। जब मैंने देखा तो फौरी फौरी चीज़ें मिल गई। बहुत से लोग की चीज़ें रख कर लोग भूल जाते हैं, जब बहुत याद आता है टाइम निकल जाता है उसके बाद आपके हाथ में वो चीज़ आती है तो फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है ना। चले जी फिर मुँह धोने के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए मुँह मेरा धो लिया पूरा और बस। तो ये है कि ये देखें, ये आपकी आंटी निकल के आई हैं अंदर से, ये देखें ये कपड़ों को उनसे गाल वाल सब। तो बस ये है आंटी, ये है अम्मी, ये है आपकी बड़ी बहन, ये निकल के आई है। तो बस ये था कि दिल चाह रहा था, मैंने कहा चले आज साड़ी भी वेयर करके दिखाऊं। और अलमारी को सही कर रही थी तो उसमें मुझे कपड़े मिले, कुछ ऐसे कपड़े मिले जो काफ़ी टाइम हो गए थे मैंने नहीं देखे थे। तो मरियम ही सेट करके रख देती थी अलमारी, तो काफ़ी दिन से मेरा हाथ अलमारी में नहीं पड़ा था क्योंकि मरियम ही मुझे कपड़े निकाल के देकर इस्त्री करके देती है, तो मुझे इतना वो नहीं होता। तो बस आज मौका लगा था तो मैंने बोला कि चलो सही है। उस दिन मैंने अपना ट्रंक खोला था अपनी शादी का, जो सामान वगैरह रखा हुआ था तो वो निकाल रही थी सारा, सब चीज़ें उसके अंदर, कुछ मेरी शादी की भी रखी हुई थी, कुछ वैसे भी रखी हुई थी, कुछ मेरी काफ़ी सारी सारीस मेरी उसमें रखी हुई थी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे जहेज़ में मैं कितनी साड़ियां लेकर गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बेइंतहा साड़ियां थी मेरे पास। तकरीबन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो साड़ियां हैं तो तकरीबन 300 से ऊपर हैं, तकरीबन 400 के करीब मेरे पास साड़ियां होंगी माशाल्लाह, जो मेरे सूटकेस में भी रखी हुई है, ट्रंक में भी रखी हुई है, अलमारी में भी रखी हुई है, सब तय करके कुछ शॉपर्स में रखी हुई हैं जो मैंने ट्रंक में रख दी हैं, और कुछ हैवी साड़ीज़ हैं, कुछ नॉर्मल हैं, और ज़्यादातर मेरी जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ियां हैं, ऊली की हैं और सिल्क की हैं, बनारसी हैं,
बहुत है साड़ियाँ, वो किसी दिन हम ये भी सेगमेंट रखेंगे कि हम उस दिन आपको अपनी साड़ियाँ दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि एक साथ नहीं दिखा सकती सारी साड़ियाँ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम ऐसा भी सेगमेंट किसी दिन रखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह के ना, मतलब सेगमेंट रखने में कि ये दिखाना वो ये सब। घर भर तो आप मेरा देख ही चुके हैं और मुझे भी आप देखते रहते हैं, बस मैं ऐसे ही घर में भटकती रहती हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में इतने लोग हों तो वो होता है कि भाई रूटीन की आप डाल रही हैं वीडियो या कुछ है, और कुकिंग का जहाँ तक मसला है तो कुकिंग मरियम ही कर रही है आजकल, मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर मरियम ही सब कुछ बना रही है। तो फिर मरियम कहती है अम्मा जब आप बनाया करें, जब आप डाला करें, मुझे बनाते हुए बस मुझे मतलब वो करा करें। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो देखिए मरियम ने सब सफाई वफाई करके सब कुछ, ये भी सारा सब कुछ कर दिया है, वो उसने हॉट पॉट धो के रख दिया है, वो सूख जाएगा तो उसको उठा के रख देगी। तो बस ये है कि, और मरियम भाग रही है, और मरियम इतना भाग रही है कि मरियम को वीडियो में लेने की कोशिश कर रही है, मरियम भाग गई है मरियम भागने में कामयाब हो गई। मरियम क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही? नहीं तो क्यों नहीं आ रही? अच्छा बताओ तो क्यों नहीं आ रही? अच्छा चलो अपनी अपनी आवाज़ तो सुना दो। चलो मैं नहीं दिखा रही, ठीक है मरियम, सीधा सी मैं नहीं दिखा रही। अच्छा और मैं एक चीज़ और, मैं आप चीज आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। तो मरियम अच्छा वो चीज़ दिखा दो, तुम नहीं आओगी उसमें क्या? और जो हमारे ट्रंक में से निकला है काफ़ी टाइम के बाद, मरियम जो हमने लिया था, बताओ क्या लिया था हमने, दिखाओ सामने जो रखा हुआ। अच्छा हाँ तो मरियम को मैं नहीं लूंगी, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूँ, वो भी सरप्राइज है जी। देखिए व्यूअर्स वो सरप्राइज है ये देखिए मैंने लिया था स्पीकर बहुत टाइम पहले, और मुझे बहुत शौक है सिंगिंग का, मैं ऐसे ही गाती रहती हूँ, नाते भी पढ़ती हूँ, ये नहीं है नाते भी पढ़ती हूँ। और ये देखिए इसके माइक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये माइक हमें इसके साथ मिला था, ये देखिए इसके सेल हमारे ख़त्म हो गए थे, और ये जो मेरा ये मेरा पुराना माइक है अच्छा मैं ना जब मैं कंप्यूटर था तो मैं माइक तो ले आई थी, और उसके साथ का मैं आपको वायर भी दिखाती हूँ कि उसके साथ ही हमारे पास वायर था, लेकिन ना वो हमारे कंप्यूटर में देखें ये लीड नहीं लग सकती थी, तो ये वाला जो है ये मेरा पुराना माइक है, तो इसमें लग ही नहीं सकता था मेरे कंप्यूटर में, तो फिर ये ऐसे ही रखा रहा। और जब मैं ये लेकर आई तो उसके साथ मुझे ये वाला माइक मिला ना, ये देखें ये वाला मुझे माइक मिला, तो इसके सेल वीक हो गए, इसमें सेल नहीं डाले तो हमने ये रख दिया था, हमने कहा कोई बात नहीं हम लीड वाला ही यूज़ करते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये लीड देखिए ये लगा लेते हैं हम लोग इस तरह से करके, ये देखें इसमें लीड लगा दी और इसमें माइक, ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, ये देखें ये ब्लूटूथ माउंट, देखिए ये इसमें हमने ये देखिए माइक लगा दिया और इसमें हमने गाया मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। देखिए मैंने आपको गाना भी सुना दिया थोड़ा सा ना, तो इस तरह करके। और कभी कभी दिल चाहता है मैं और मरियम अकेले तो होते हैं कि चलो सही है कि हम लोग कुछ ना कुछ घर में बस अड़गम चड़गम हम करते ही रहते हैं, और हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये है कि हाँ इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, और हमें भाई हमारे व्यूअर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करते रहते हैं और इतनी मोहब्बत देते हैं, उन पर भी हम ऐसी मोहब्बत देते हैं, तो हमें और क्या चाहिए भाई, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों मरियम? तो बस ठीक है ना, तो इसी तरह से हम प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहते रहिए, और हम आपको इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉग भी दिखाते रहेंगे जब तक कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं अभी। तो यह है कि फिर इंशाल्लाह मैंने जाना है, और मेरा एक बहुत अच्छा वाला सरप्राइज़ है जो मुझे आप लोगों को देना है, और मैंने आप लोगों के लिए एक और जगह ढूँढी है बहुत ज़्यादा सीक्रेटली, और मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगी, और जिस तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी और रिजनेबल चीज़ें दिखाती रहती हूँ, उसी तरह से मैं आपको एक जगह और लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कल ही मैंने खोज के वो जगह निकाली है, पता है आपको, और
फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगी, ठीक है। इसी तरह से मेरे साथ रहें और मुझे मोहब्बत देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके सरों पर आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया हमेशा सलामत रहे। अल्लाह ताला कुल उम्मुल मोमिनीन को खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर कर दिया करें ताकि मेरे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलूंगी फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ और इसी तरह के अड़गम शड़गम चीज़ों के साथ, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी आंटी को, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।